नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव पर्व है, जहां से तय होगी आपके शहर की तस्वीर, जो बदलेगी शहर की तकदीर। तमाम झूठे वादे और दावों की हकीकत जानने के लिए हम कासगंज की नगर पालिका में पहुंचे हैं, जहां प्रत्याशियों के साथ बातचीत करेंगे। तमाम वादे होंगे, तमाम इनके उद्देश्य होंगे, लेकिन अब क्या रहेगा फिरोज यहाँ? मैं डॉक्टर शशिलता चौहान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं प्रत्याशी हूँ अध्यक्ष पद के लिए। यहाँ कासगंज नगर के तमाम उद्देश्यों को पूरा करते हुए मैंने अपना नामांकन किया है। मैं बताना चाहती हूँ कि कासगंज नगर में पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं किया गया। अगर कहीं कोई विकास का चिन्ह दिखे तो मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, कोई विकास का चिन्ह बताएं। मैंने कासगंज नगर के चौमुखी विकास के लिए, मैं इससे पूर्व में भी चेयरमैन रही हूँ नगर पालिका परिषद कासगंज की, तो मैं बताना चाहती हूँ कासगंज में मैंने चारों तरफ विकास की गंगा भाई है, जो कासगंज नगर से छुपी नहीं है। चाहे वो महाकवि संत तुलसी द्वार हो, चाहे अमीर खुसरो द्वार हो, चाहे महाराजा अग्रसेन द्वार हो, चाहे वो सैलई का संकट मोचन धाम द्वार हो, यहाँ लक्ष्मीबाई कम्युनिटी हॉल और पूरे नगर की तमाम सड़कें जो मैंने सीमेंटेड कराई थी, आज भी वो अपनी गुणवत्ता का परिचय दे रही हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा, माई सेल्फ राधा महेश्वरी, आई वॉन्ट टू थैंक्स माई बीजेपी पार्टी, ऑल द मेम्बर्स विच हैज़ गिवन मी टिकट, एंड नाउ आई वॉन्ट टू क्लियर इट कि मैंने नामांकन किया है और शहर के संपूर्ण विकास के लिए। मेन समस्याएं सर राशन कार्ड और सफाई, स्वच्छता, नाली, सिल्ट वगैरह की है, सबसे ज़्यादा मेन समस्या यही है जी। जो धन्यवाद, तालियां जी। क्या नाम? मैं सीमा कुशवा, बहुजन समाज पार्टी से बोल रही हूँ। मेरा मुद्दा है विकास, शहर का विकास करना और गरीब लोगों को सब करना, सपोर्ट। धन्यवाद, धन्यवाद जी। सर, मैं राजेश कुमार अग्रवाल, प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मंजू अग्रवाल की तरफ से। हमारा उद्देश्य जो गरीब जनता है, जिसके उससे पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने जो अधूरे काम छोड़े हैं, उन सारे अधूरे कामों को पूरा करने का मेरा उद्देश्य होगा और गरीबों के लिए विशेष तौर पर मेरा काम करने का तरीका अलग ही होगा जी। धन्यवाद। सभी प्रत्याशियों से बातचीत करने के बाद साफ तौर पर जनता की समस्याएँ, मूलभूत जो सुविधाएँ हैं नगर पालिका की, उन सब की बातें खुलकर आई हैं। प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, लेकिन झूठे तेरे वादे वादों का क्या, बात करते हैं भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 महीने बीत चुके हैं और आखिरकार भाजपा ने क्या कार्य कराए कासगंज नगर? सर देखिए, कार्य हो रहा है, लगातार मोदी जी कार्य कर रहे हैं। मैं निगेटिव में नहीं जाना चाहूँगी सर, पॉजिटिव कार्य यही है कि मुझे, इसीलिए मैंने ये टिकट ली है या दी गई है मुझे, ताकि मैं यहाँ की समस्या, सर राशन कार्ड है मेन समस्या, जो एक मिडिल क्लास या उससे लोअर क्लास की है वो समस्या दूर होनी चाहिए। नाली है, पानी है, या गंदगी है, कूड़े के ढेर है सर। गंदगी से भी ज़्यादा देखिए, गरीब आदमी गंदगी में भी रह सकता है, गंदगी की तो सफाई होनी ही होनी चाहिए, मगर राशन कार्ड है, मूलभूत समस्याएं जो हैं, टैक्स वगैरह हैं, इन सब का सॉल्यूशन होना चाहिए। बीजेपी प्रत्याशी का कहना है साफ तौर पर गंदगी में आदमी रह सकता है, क्या आप लोग सहमत हैं? नहीं, गंदगी में नहीं रह सकते हम, नहीं रह सकते। हमको शहर की सफाई चाहिए और पेयजल व्यवस्था अच्छी चाहिए। भाजपा के पहले भी यहाँ पे चेयरमैन थे हमारे, क्या कराया? हमारे यहाँ चित्रुप कॉलोनी में नाला है, भाजपा के जो है चेयरमैन जो रहे अभी तक, वो आज तक कभी उन्होंने नाला साफ नहीं करवाया। उससे पहले डॉक्टर शशिलता चौहान रही, उन्होंने बरसात आने से पहले वो सफाई कराती थी, आज हमारा नाला आज भी भरा पड़ा है। हाथों से सफाई करते हैं, आज भी गंदगी की वजह से डेंगू की बीमारी होती है, बुखार आते हैं, गरीब बच्चे बेचारे मर जाते हैं, उनके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। मैं बिल प्रूफ बात करूंगा इसके मामले में। आप देखिए फोटो, ये फोटो है, ये इसमें आदमी एक डूबा हुआ है नाले में, जिसकी यहाँ तक गर्दन है नाले में डूबा हुआ है और वो सफाई कर रहा है। ये स्थिति गंदगी की शहर की यहाँ की है, मेरे पास बिल प्रूफ है, ये देखिए आप कैमरे में लीजिए इसको, बिल्कुल गलत है। जीतने के बाद 10 साल से बीजेपी शहर में है, उसके बाद भी सफाई के बारे में कोई किसी से कोई ध्यान नहीं गया है। आइए बात करते हैं शहर के विधायक से। विधायक जी इस बात का काउंटर फाइल करेंगे। विधायक जी, आपकी सरकार है, जनता आपकी है और जनता आरोप लगा रही है कि कोई विकास नहीं हुआ, 10 साल आपके यहाँ चेयरमैन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की
प्रदेश सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने स्वच्छता पर विशेष जोर दिया है। स्वच्छता के लिए हम सब लोग स्वच्छता में कार्यक्रम को अनवरत चलाते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी और हमारी सरकार सबसे पहले जो मूल समस्या है सफाई की, उस सफाई को जड़ा मूल से समाप्त कर देगी। दूसरा कहना है कि जो बिजली की लाइन पड़ी हुई है इसे अंडरग्राउंड डलवाने के लिए हमारे कल योगी जी ने जो हमारा घोषणा पत्र तैयार किया है उसमें कहा है कि हम अंडरग्राउंड ये डलवाएंगे बिजली लाइन, ताकि कोई हादसा न हो। दूसरा उन्होंने कहा है कि हर नगर सीवरेज से जोड़ दिया जाएगा। सीवरेज हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी ताकि ये गंदगी न फैले। भाजपा विधायक जी का साफ तौर पर कहना है, कहां तक सहमत हैं आप लोग विधायक जी की? मैं एक मिनट रखा जी, आप क्या मानते हैं सुशील यादव जी ने काम कराया था? अब काम कराया या नहीं कराया, भाजपा की सरकार अभी 6 महीने हुए आए हुए, अभी उसको काम करने दो, बहुत बढ़िया काम करेगी। लोग सहमत हैं, सुशील यादव जी ने काम कराया? मैं नहीं मालूम काम कराया नहीं कराया जी। सुशील यादव जी के पास आएंगे, आप पे पक्ष विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपने क्या क्या काम कराया आप जरा गिनाएं। मैंने काम कराए हैं ये सारे इन लोगों की नज़र में हैं। मेरी सोच मानवतावादी विचारधारा की है, शहर में दलगत राजनीति से कार्य नहीं होता है, केवल कार्य होता है तो मानवतावादी विचारधारा से नगर का चौमुखी विकास किया जाता है। दलगत राजनीति कौन कर रहा है? दलगत राजनीति आपके सामने है जो कर रहे हैं, हमारे हम नहीं करते, बाकी जिन्हें करनी है वो करें। जैसे अभी कहा कि 6 महीने हुए हैं भाजपा सरकार को, भाजपा घोषणा पत्र जारी किया और ये कांग्रेस भी उसी के तर्ज पे एक अपना पत्र जारी करने जा रही है। नहीं ऐसा है, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जो मैंने जारी किया है नगर निकाय के लिए किया है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, कांग्रेस की वो कासगंज की सरकार बननी है, और कासगंज की सरकार वो होगी जो कासगंज का चौमुखी विकास करेगी और बिना भेदभाव के सबसे पहली प्राथमिकता। बिल्कुल, आपका कहना है कि इन्होंने विकास कराया। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू क्लियर माय वर्ड्स इज नॉट दैट गंदगी, गंदगी का मतलब नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि ऐसे तो आप क्वेश्चन चिन्ह कांग्रेस आई पे भी लगा सकती हैं कि पिछले 50 सालों से उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया? मोदी जी को केवल 3 साल हुए हैं अभी सरकार, यहाँ पर आए हुए 6 महीने हुए हैं, और यहाँ का विकास आप देखिएगा, वादों पे नहीं चलते, कामों पे चलते हैं। मैंने इमोशनली ये साफ तौर पर भाजपा प्रत्याशी कहना काम करेंगे, काम किया है, क्या काम करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ चेयरमैन जरूर रहा था, प्रदेश में सपा की सरकार थी, सपा के शासन में यहाँ विकास नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर न वो पैसा देती थी, आज केंद्र में और प्रदेश में भारतीय सरकार है, हम शहर में इतना विकास कराएंगे आज तक नहीं हुआ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारा प्रत्याशी नया है, बेदाग है, आपके शहर में वो विकास करेगा जो आप देखते रह जाएंगे। धन्यवाद। साफ तौर पर प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा के कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने विकास किया है, विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी किस तरह का विकास करेगी? सपा की सरकार रही थी, अभी आपके सरकार थी, आपके नेता थे, आपके मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, आखिर विकास क्यों नहीं हो पाया? हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में बहुत विकास किया, वो किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी का अभी तक कासगंज में कोई चेयरमैन नहीं रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जो इन लोगों ने और पार्टियों के चेयरमैनों ने जो काम नहीं किया है उससे अधिक करके दिखाएंगे। गरीबों के लिए जो गरीब परेशान रहता है, नगर पालिका में जाता है उसका काम नहीं होता है, चक्कर लगाता है, हम गरीबों के काम वो करके दिखाएंगे, जो हमारे पास जो उनका प्रार्थना पत्र आएगा उनका सारा काम करके उनके जो भी कागज होगा उनके घर तक पहुँचाने का। जनता का सीधा आरोप है कि सपा की सरकार थी इसलिए विकास नहीं हो पाया, भाजपा के भले ही यहाँ पे चेयरमैन थे लेकिन सपा की सरकार ने यहाँ विकास में अड़ंगा लगाया, क्या मानते हैं अड़ंगा लगा? नहीं, कोई अड़ंगा नहीं लगा, प्रदेश में जो सरकार होती है और जो जिम्मेदारी होती है, जो शहर का चेयरमैन होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सरकार से प्रार्थना करते हैं हम, वहाँ से पैसा लाएं उसको लगाएं, प्रार्थना की आवश्यकता होती है, सरकार तो सबकी होती है, सरकार एक ही नहीं होती है, सरकार बनने के बाद सारे जितने नागरिक होते हैं सबकी सरकार होती है जी। बिल्कुल, साफ तौर पब्लिक से भी बात करेंगे, मैडम आप बताएं किस तरह की समस्याएं हैं या खास तौर पर क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ सफाई सुविधा हो, और जो आप लोग ये वादा करते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं और उनका जो बैनर वगैरह छपे हैं उन पे उनके पतियों के साथ छपे हैं, अगर हम नगर पालिका में जाएंगे तो उनके पति काम करेंगे या वो चेयरमैन होकर पत्नियां काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सही सवाल, सही सवाल।
सब बिल्कुल सही सवाल, और पत्नियों में गिनती भाजपा की है, बसपा की और सपा की, क्योंकि मैडम तो कांग्रेस से पहले भी यहाँ चेयरमैन रही हैं और अच्छा काम किया है जी। आई एम आल्सो कैपेबल, मगर मैं यहाँ की बहू हूँ तो जरूर था कि नेचुरली कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, तो सर जिस घर की मैं बहू हूँ उस घर का तो इंट्रोडक्शन दूंगी ही दूंगी, नेचुरली बात जी। आपके भी आप पहली बार चुनाव में हैं और आपके पति बसपा में पदाधिकारी थे, सब भाजपा छोड़ के बसपा में आए हैं, तो आखिर में स्वार्थ की राजनीति क्यों की, उन्होंने भाजपा छोड़ी, भाजपा में एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, क्योंकि भाजपा में भाजपा में गरीब लोगों की और जो नीचे है हाई कास्ट की उसमें पूछती और गरीब मतलब नीचे है उन लोगों की उसमें पूछ नहीं थी, इसलिए मुझे समाज पूछते नहीं, हमने अपना बसपा में भाजपा में पूछते नहीं कोई लोग, और बहुजन समाज पार्टी में पूछेंगे सब लोग जी। बिल्कुल सर, साफ तौर पर पब्लिक आरोप लगा रही है प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों की चलेगी, महिलाओं की नहीं चलेगी, जबकि सरकार इसीलिए महिला सीट करती है कि महिलाओं के हित की बात हो, महिलाएं कुछ समझें और एक आम महिलाओं को न्याय मिले, तो सर आखिर में आपकी पत्नी भी नहीं आई है, जो कैंडिडेट है उनको भी आना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को इस बात का पता है कि उनको डेंगू हुआ था, अभी वो बीमार है, चलने फिरने में काफ़ी परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने थोड़ा उनको मना किया इसलिए वो नहीं आई हैं, उनके प्रतिनिधि के रूम में मैं यहाँ पर आया हूँ, काम वही करेंगी, जीतेंगी जनता जिताएगी तो काम चेयरमैन वही होंगी, वही जिताएंगी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो घुसेंगे भी नहीं। बिल्कुल मैडम का सीधा कहना है कि मैडम को डेंगू हुआ है और इसलिए चलने फिरने में असमर्थ हैं, इस बात से सहमत हैं आप लोग या कहीं जनसंपर्क कर रही हैं? आपके चैनल का मुख्य विषय है सिटी का सुल्तान कौन, इस मुद्दे से आप लोग भटक गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव पर्व नहीं है, चुनाव प्रक्रिया है जो 5 साल के लिए जनता अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, जिससे उनके साथ चुनाव जीतने के बाद उनके साथ विश्वासघात न हो, इसके मद्देनज़र एक प्रतिनिधि ऐसा हो जिसकी छवि स्वच्छ हो, ईमानदार हो और उसकी पिछली पृष्ठभूमि का भी इसमें आकलन होना चाहिए। इस मुद्दे पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा। नहीं सर, मुद्दा तो आप बताएंगे, समस्या जनता के जी, सिटी का सुल्तान तो एक ही होगा, मगर सिटी के सुल्तान चुनने के लिए पब्लिक वोट करेगी, और यहाँ की बात करें तो पब्लिक के अच्छे खासे वोट हैं और वोटिंग के हिसाब से होगा, मगर समस्याएं आप बताएंगे, आखिर किस तरह का सुल्तान चाहते हैं आप? सुल्तान हम ऐसा चाहते हैं जो पब्लिक की जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मैंने शॉर्ट में संक्षेप में मूलभूत आवश्यकताएं बता दी हैं, जो भी काम अधूरे पड़े हैं और जिन कामों को जो विकास के बारे में जो बात करेगा, जो विकास के काम करवाएगा, वही हमारा चेयरमैन होना चाहिए। साफ तौर पे विकास का काम कौन कौन कराएगा, आप मैडम आप कराएंगे विकास का काम? विकास कार्य मेरे कार्यकाल में हुआ है पिछले 10 सालों में, अगर कोई विकास का चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के जो दो चेयरमैन रहे हैं, हालांकि मैं पार्टी की बात कभी नहीं करती चेयरमैन के पद पर, जहां जिला चल रहा है वो सारा नगर पालिका भवन मेरा बनाए हुआ है जो कासगंज नगर को जनपद दे सका। सर, ये इंडिविजुअल हैं सर, एक बात बताइए, हर्ट मत कीजिए प्लीज कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया, इन्होंने 10 साल में क्या किया, आई डोंट नो, मैं नहीं हूँ, मैं करके बताऊंगी, बोलने से क्या होता है। बिल्कुल काम बोलता वाली स्थिति भाजपा के प्रत्याशी ने की है, बसपा क्या किस तरह का विकास करेंगी आप? मैं तो विकास अच्छा करूंगी सबके लिए, मैं तो पहली बार आई हूँ इसमें, जनता मुझ पर विश्वास करे, मैं जनता के विचारों पर बिल्कुल खरी उतरूंगी, बस विचार करके मुझे वोट दे, सपोर्ट करे मुझे जी। सर, सपा किस तरह का विकास करेगी? अभी हमारी सरकार ने बहुत विकास किया है, हमारा चेयरमैन बनेगा, हम चेयरमैन बनेंगे, हमारी पत्नी चेयरमैन बनेगी, तो जो काम अधूरे किसी चेयरमैन ने नहीं किए अभी तक, हमारा चेयरमैन आज तक नहीं बना है, हम उससे अलग करके दिखाएंगे। आपकी सरकार तो बनी है? नहीं, सरकार तो बनी है, सरकार ने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, देखते रहिए भारत समाचार। Yeah.
ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं और जनता से बात करेंगे, आखिर विकास किस तरह का चाहिए, जनता क्या चाहती है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आपके महोदय ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पैसा नहीं ला पाए। पिछले 25 सालों में क्या राज्य में कांग्रेस की सरकार थी जो सुशीलता चौहान जी ने उस स्टेट गवर्नमेंट से पैसा पास करा के शहर का इतना अच्छा विकास कराया। मैं चित्रगुप्त कॉलोनी का निवासी हूँ, मेरे दरवाजे पर जो सड़क पड़ी हुई है पिछले 20 साल पहले की वो सड़क है और आज तक उस सड़क पर एक खरोंच तक नहीं आई, मैं उसको बरकरार यूज कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कासिम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर पालिका परिषद यहाँ जो चेयरमैन रहते हैं भाजपा से, उन्होंने जो 800 रुपया टैक्स आता है मकानों पर वो 8000 कर दिया और जहाँ 8000 आता है वो 80000 कर दिया। तो मैं प्रत्याशी पूछना चाहूँगा इसके क्या उपाय करेंगे, इस टैक्स को कैसे कम करेंगे, जो गरीब जनता रो रही है, मर रही है, गाजियाबाद दिल्ली नोएडा बना दिया कासनी को, इस टैक्स को कम करने के लिए क्या करेंगे। एक सवाल आया जनता का, एक सवाल, टैक्स में बेहतर भरोसी बढ़ोतरी हुई है, बेहतासा बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है, कासगंज में टैक्स पे एकदम जनता पे मार हुई है टैक्स की, भाजपा किस तरह है, आप जीतने के बाद क्या करेंगी। सर देखिए जो प्रॉब्लम सामने आ रही है उनका सॉल्यूशन होगा, मगर फिलहाल आ तो जाने दीजिए, उससे पहले ही आर्ग्यूमेंट्स कमेंट्स ये सब मत कीजिए प्लीज़, चुनने दीजिए, ये पब्लिक को चुनना है ना कि कांग्रेस आई के रिप्रेजेंट को, ठीक है। फिर भी पब्लिक सॉल्यूशन चाहती है। हाँ हाँ सर सॉल्यूशन होगा, आपके वोटर हैं, वोटर चाहते हैं आखिर कैसे समस्या का समाधान करेंगे, जरा बताएं इनको, डीपली बताएं। सर सॉल्यूशन होगा, प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन होगा, मुझे भी, मैं नई प्रत्याशी हूँ, समझने में टाइम तो लगेगा सर। बिल्कुल प्रत्याशी का साफ तौर पर कहना है नहीं है, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन विधायक जी पुराने हैं, विधायक जी भाजपा के अच्छे नेता भी रहे हैं, उसके बाद जनप्रतिनिधि हैं, आखिर कैसे इनकी समस्या का समाधान कैसे जी। मुझे नगर पालिका कासगंज नहीं चलानी है, लेकिन ये जिला हेडक्वार्टर है और जिला हेडक्वार्टर पर जिले में रहने वाले सभी लोगों का ये हक बनता है कि उस जिला मुख्यालय का अच्छा विकास हो। और भारतीय जनता पार्टी के समय में, अगर मैडम कह रही हैं मैंने गेट बनवाए, गेट विकास नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत सारे नाले बने, इतना इंटरलॉकिंग का सड़कों का निर्माण हुआ है जितना अभी तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। सर सब जनता का एक महत्वपूर्ण सवाल, टैक्स में बेहतासा बढ़ोतरी हुई है, टैक्स में जितनी कीमतें दुगनी चौगनी कराई गई, लोग परेशान हैं, वो कैसे कम करेंगे, कैसे क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। हमारे संकल्प पत्र में, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी ने जो संकल्प पत्र में दिया है, टैक्स माफ़ करेंगे, सीवर लाइन हर शहर को सीवर लाइन से जोड़ देंगे, बिजली के जो तार हैं अंडरग्राउंड डलवाएंगे और शेष स्वच्छता के ऊपर बहुत सारा धन उन्होंने उपलब्ध करा दिया है, स्वच्छता में कहीं कमी नहीं आएगी। स्वास्थ्य के लिए अभी संयुक्त चिकित्सालय का उद्घाटन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और कभी स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति और विकास के प्रति कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद जी। जी आप क्या चाहते हैं। बीजेपी के शासन में सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या, जो फर्स्ट फ्लोर पर भी पानी नहीं पहुँचता था, वो पानी तीसरी मंजिल तक पहुँचता है, ये बीजेपी के शासन में पानी की समस्या खत्म की गई, इसका भी ध्यान देना चाहिए, धीरे धीरे सब चीज़ें सब समस्याएं खत्म की जाएंगी। जी जी सर, जी सर। पहले तो बीजेपी ये क्लियर करे कौन सा मैनिफेस्टो लागू करेंगे, केंद्र का, प्रदेश का कि निकाय वाला, क्योंकि तीन मैनिफेस्टो आ चुके हैं, केंद्र का हम लोग देख रहे हैं, अभी तो निकाय चुनाव की बात चल रही है, निकाय चुनाव का मैनिफेस्टो कौन सा लागू करेंगे, एक कोई सा लागू तो कर नहीं पा रहे, आप नया नया मैनिफेस्टो हम लोगों के सामने ला के रख देते हैं, किस पे आखिर विश्वास करे आदमी। फीता काटने का काम, फीता काटने का काम आपको दिया है भाई, नगर निकाय पे करवा, बढ़िया जो प्रत्याशी जुझारू हो और बढ़िया काम करके थे उसको प्रत्याशी पे, तो चारों प्रत्याशी जुझारू ही लग रहे हैं सारे जितने खड़े हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अपने परम आदरणीय श्री गौरव शंकर जी से, सुनिए भाई साहब से थोड़ा रिक्वेस्ट है, विकास की बात आई थी तो इन्होंने कहा था मेरे भाई साहब ने कि पिछले कार्यकाल से समाजवादी की सरकार है और भाजपा के यहाँ चेयरमैन दो कार्यकाल से थे तो इसलिए विकास कार्य नहीं हो पाए, ये एक्सेप्ट करते हैं विकास कार्य नहीं हो पाए, क्या सपा की सरकार में क्या निकाय के लिए पैसा नहीं मिलता, मिलता है। इस शहर की चेयरमैन जब श्रीमती डॉक्टर सुशीलता चौहान बनी तो क्या कांग्रेस की सरकार थी, नहीं थी, उसमें कितना विकास हुआ शहर के अंदर, चारों द्वार चारों गेट की सीसी जो आज तक मौजूद है, गली गली में सीसी, कम्युनिटी हॉल, इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी देन कासगंज शहर के लिए
कि नगर पालिका परिषद का ऐसा निर्माण कराया कि पूरा जिला वहां संचालन हुआ जो आज तक कोई नहीं करा पाया, नहीं तो ये शहर हमारा जिला नहीं होता। अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं कि कासगंज की समस्याओं से हम रूबरू कराएंगे जनता को कि कासगंज में खास तौर पर टैक्स की समस्या है, बेहतरसा टैक्स में वृद्धि हुई है, लोगों को परेशान किया गया है और देखा जाए तो नगर पालिका ने दबंगई की, लोगों के साथ वसूली भी की गई है। दूसरा मामला सीवरेज का है, सीवर की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है यहाँ, सीवरेज का कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं किया गया जिसके तहत लोगों को सीवरेज सुविधा मुहैया कराई जाए। सबसे अगली बात पे आएंगे, अतिक्रमण की बात है, गंदगी, अतिक्रमण, सीवरेज टैक्स में वसूली और यहाँ के जितने पार्क हैं नगर पालिका के तहत सारे पार्क अभी भी क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं, उनकी सौंदर्यीकरण की काम नहीं कराया गया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कराई गई, लोगों को टहलने के लिए पार्क मुहैया नहीं कराया गया। पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 10 साल चेयरमैन रही, उसके बाद भाजपा के चेयरमैन रहे, अब सारे प्रत्याशी मिलकर एक दावा कर रहे हैं कि ये सारी समस्याएं जो जनता ने रखी हैं उन सबको वो करेंगे। अब अंतिम पड़ाव पर एक एक बारी बारी से पूछते हैं कि आखिरकार 10 साल में पहले नहीं कर पाई तो अब कैसे करेंगी आप? अगर किसी ने ये सवाल किया है कि मैंने 10 साल में नहीं किया है तो वो खुद झांके, ये दलगत राजनीतिक बात है। जिस प्रभु पार्क में आप बैठे हैं, जहां आज ये टहलने की सुविधा है, सारा बाउंड्री कृत किया है, ये मैंने कराया था 95 में। क्या मानते, क्या रह गया जो आपको बाकी है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है इस समय, स्वच्छ पेयजल जो जनता को मुहैया नहीं कराया गया, जो मेरे टाइम में क्लोरीनेशन होता था पानी का, उसके बाद नहीं किया गया। सबसे पहली व्यवस्था स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छ पानी देना मेरा बिल्कुल। दूसरा, सफाई व्यवस्था के लिए जो शहर में खुले नाले हैं उनको ढकने की व्यवस्था तत्काल की जाएगी। उसके बाद सीवरेज का प्रोजेक्ट जो मेरे कार्यकाल में बना था उसको फिर शुरुआत करूंगी, जिससे नगर को एक स्वच्छ वातावरण में दे जी। पेयजल, सीवरेज और सफाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी क्या करेंगी? सर, यही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, मैं क्योंकि नई प्रत्याशी हूँ। प्लीज़ आप लोग आर्ग्यूमेंट्स में नहीं, विकास पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का सहयोग ही विकास कराएगा। अगर जो हम गलत चीज़ों में उलझ गए और उन्हीं के केवल साफ करते रहेंगे तो कैसे विकास के कार्य पे ध्यान देंगे, क्योंकि पब्लिक में जाके पब्लिक बताएगी। एक सेकेंड सर, क्योंकि पब्लिक से पूछा जाएगा, पब्लिक अपने सुझाव देगी, उनके सुझाव के अकॉर्डिंगली काम होगा, क्योंकि काम बोलता है, मैं नहीं बोलूंगी, मेरा काम बोलेगा। जी बिल्कुल, भाजपा प्रत्याशी साफ तौर पे कहा है वो नहीं है और उन पे भरोसा करें और तो वो विकास करेंगी और विकास के प्रयास के लिए वह बदस्तूर जा रही है। जी आप क्या करेंगी जनता के लिए? मैं विकास करूंगी, मैं तो पहली बार नहीं आई हूँ इस बहुजन समाज पार्टी में, जनता मुझे भरोसा करे और मुझे सपोर्ट करे। सर, समाजवादी पार्टी क्या करेगी? हमारी सरकार जब भी प्रदेश में रही है, हमारी सरकार ने काफ़ी पैसा दिया है। अगर ये लोग नहीं कराते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारा कभी चेयरमैन नहीं रहा, हम अगर चेयरमैन होते हैं तो हम इतना काम कराएंगे, जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया है उन सारे कार्यों को कराएंगे हम, और जो अधूरे कार्य पड़े हुए वो भी सब कराएंगे हम। समाज नगर पालिका की जिम्मेदारी सफाई की होती है, नगर पालिका अपने आप में एक सफाई का एक बहुत बड़ा मुखिया होता है, अध्यक्ष, और हम जितनी भी सफाई होगी पूरा काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय लोकदल क्या किस तरह का काम? अगर मुझे जनता ने अगर मौका दिया चुनने का तो मैं अपनी जनता का पूरा साथ दूंगा और जो नगर पालिकाएं में नौकरियां निकलती हैं पहले निकाली वो चेयरमैन अपनी कलम से लगा सकता है। ठीक है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे नगर में पिरगू पार्क जैसे पार्कों की जरूरत है। मैं पर जो तमाम मुद्दों को लेकर सभी प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात कही है, सभी प्रत्याशियों ने कही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जिसे आप चुने वो बेहतर हो। आशा है कि आज की चौपाल आपके चुनाव को आसान बनाएगी। तय आपको करना है कि किसे अपने सिटी की बागडोर सौंपनी है। चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, देखते रहिए भारत समाचार, सत्यमेव जयते।